न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन में। बुलंदशहर जनपद के थाना क्षेत्र खुर्जा नगर में एक सिपाही द्वारा महिला पर अपनी वर्दी की हनक दिखाने का मामला सामने आया है। जनपद के एसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने मामले का संज्ञान में लेकर हेड कांस्टेबल राजकुमार को महिला से वर्दी की हनक के बूते 25,000 की अवैध वसूली करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। साथ ही पीड़िता की शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सिपाही पर मुकदमा दर्ज करवाया है। एसएसपी ने कहा कि मामले में प्रथम दृश्य में थाना प्रभारी रवि रतन और निरीक्षक इमाम जैदी की लापरवाही सामने आई है। दोनों को लाइन हाजिर कर खुर्जा कोतवाली नगर का नवीन कोतवाल अजय कुमार को बनाया। इस मामले का खुलासा तो पता चला कि खुर्जा नगर पुलिस को संदिग्ध परिस्थितियों में हरियाणा की एक युवती मिली, जिसके बाद पुलिस ने युवती के परिजनों को फोन कर हरियाणा से थाने बुलवाया। सूचना पाकर अपने पड़ोसी के साथ कार में विधवा महिला खुर्जा कोतवाली थाना पहुंची तो महिला और पड़ोसी युवक से सिपाही ने युवती की खोज कर उन्हें सुपुर्द करने में हुई मेहनत का मेहनताना मांगा तो दोनों ने कुछ भी नहीं देने जैसी बात कही। इतना सुन सिपाही ने वर्दी की हनक दिखा पीड़िता महिला के साथ आए पड़ोसी युवक को थाने में हवालात में डाल दिया। बता दें कि हवालात में डालने से पहले पुलिस द्वारा जमा तलाशी ली जाती है। मिली जानकारी के अनुसार सिपाही ने युवक की जेब से 25,000 की नकदी धनराशि, मोबाइल, पर्स, बेल्ट आदि छीन लिए। थाने में हुई इस प्रकार की हरकत को सुन कोतवाल युवक को हवालात से निकाला, किंतु युवक को सिपाही द्वारा जेल से निकाले गए 25,000 वापस नहीं दिए, किंतु बाकी का सभी सामान वापस कर दिया गया। मजबूर विधवा महिला और युवक युवती को लेकर हरियाणा वापस लौट गए। एसएसपी ने बताया है कि जनता दरबार में पहुंच महिला ने सिपाही के खिलाफ थाने में 25,000 छीनने की लिखित शिकायत दी है। एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेकर अपने पीआरओ धर्मेंद्र सिंह को निर्देश देकर कहा है कि महिला को गाड़ी में बैठाकर खुर्जा कोतवाली नगर में ले जाकर सिपाही की पहचान कराएं। कोतवाली पहुंच महिला ने जैसे ही सिपाही राजकुमार को पहचाना तो एसएसपी के पीआरओ ने मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रिपोर्ट जनपद के बेहद अलर्ट एसएसपी को सौंप दिया, जिसका तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेकर एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थाना खुर्जा नगर क्षेत्र से संबंधित एक व्यक्ति कल जनता दर्शन के दौरान उपस्थित हुए, जिनके द्वारा यह बताया गया कि उनकी पड़ोस की एक महिला जो कि अपने घर से चली गई थी, वो खुर्जा में किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना करके उसको थाने पर लाया गया था और वह उस महिला को अपने साथ ले जाने के लिए आया था और उसी के दौरान वहाँ उपस्थित एक कांस्टेबल द्वारा उसे धमका करके उसके पास जो पैसे थे वो ले लिए गए थे। वहीं कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता वृद्ध महिला का शव मिला। वहीं शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बीते दिन महिला शौच के लिए गई थी, वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बूढ़ी गंगा से बाहर निकाला। साथ ही सीओ विजय कुमार राणा ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने शव को पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मामला कोतवाली गुंजडुरवा क्षेत्र के गांव फिरोजपुर के समीप बूढ़ी गंगा का है। खबर गोंडा से है, जहां सदर विधानसभा में जिला प्रशासन द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। झंझरी ब्लॉक के जमदार गांव में ग्रामीण संवाद का आयोजन हुआ। सांसद ने ग्रामीणों से बात की और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए अफसरों को निर्देश दिए। वहीं पत्रकारों से बातचीत में दयानिधि मारन के मजदूरों पर दिए गए बयान की निंदा की और कहा कि यह दयानिधि मारन की घटिया सोच है। जो सोच अंग्रेजों और मुगलों की थी वही इनकी भी है। सांसद ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर टिप्पणी की और कहा कि चर्चा में रहने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, देश के 140 करोड़ लोगों के मानसिक संतुलन की गारंटी कैसे ली जाए। इशारे में सांसद ने स्वामी का मानसिक संतुलन बिगाड़ा बताया। वहीं शशि थरूर के मोदी के सामने चुनाव लड़ने के बयान पर सांसद बोले कि कहीं कोई से भी चुनाव लड़े क्या करना है, कोई रेलवे लाइन पर चला जाए, ट्रेन से लड़ जाए, वह उसकी इच्छा है। पहलवानों के मुद्दे पर सांसद ने कहा कि पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए, न्याय और जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए।
हंडिया में कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा के सातवें दिन नामित प्रमोद सिंह पाटिल अपने समर्थकों के साथ रामपुर जनपद में पहुंच गए। आपको बताते चलें कि प्रयागराज के विधानसभा प्रतापपुर के याकूबपुर गांव निवासी पूर्व विधायक जंग बहादुर सिंह के बेटे प्रमोद सिंह पटेल का नाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यूपी जोड़ो यात्रा में नामित किया है। प्रमोद सिंह पटेल लगातार सातवें दिन रामपुर जनपद में पहुंच गए। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में दिलों से दिलों की जोड़ती हुई ये यात्रा का कारवा निरंतर बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस की यात्रा होने जा रही है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के मजबूती के लिए किया जा रहा है। वहीं लोगों के दिलों से नफरत हटाना और भाईचारा बढ़ाना इसका मुख्य उद्देश्य है। लखीमपुर खीरी के थाना हैदराबाद पुलिस और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम द्वारा लूट और चोरी का मोबाइल फोन लूटने और चोरी करने वाले गिरोह को डकैती की योजना बनाते हुए 8 शातिर अंतर्राज्यीय लुटेरों चोरों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से और चोरी के 78 मोबाइल और घटनाओं में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, टॉर्च, रस्सी, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि ईडी जोन लखनऊ सर और आईजी रेंज सर के प्रोडक्शन में और एसपी सर खीरे के निर्देशन में जनपद खीरे में अपराध के खिलाफ एक अभियान चल रहा है और उसी अभियान की श्रृंखला में जगह जगह चेकिंग की जा रही है। हैदराबाद में चेकिंग की जा रही थी एसओ द्वारा, तभी उनको सूचना मिली जिले खास की मेलवा मोड़ पर कुछ लोग संदिग्ध हैं और घटना करने के खिलाफ में इस सुंदर पर SHO में फोर्स के मौके पहुँचे और वहाँ पर कुछ लोगों को हिटन किया। जब उन लोगों से जानकारी की गई, पूछताछ की गई, तो उन्होंने अपने नाम बताया और ये जो गिरफ्तार अपराधी थे, आरोपी थे, ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, मतलब चार राज्यों का अंतर्राज्य गैंग था, जिनमें 8 लोग गिरफ्तार किया था। सुल्तानपुर में मानवता को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है। कैंसर पीड़ित युवक ने इलाज के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से आवेदन किया था, लेकिन रिपोर्ट लगाने पर लेखपाल ने रिश्वत की डिमांड कर डाली। पीड़ित ने मना किया तो लेखपाल रिपोर्ट लगाने को तैयार ही नहीं हुआ। तिल तिल पैसों के लिए जूझ रहे कैंसर पीड़ित ने रिश्वत दी, तब जाकर लेखपाल ने रिपोर्ट लगाने का आश्वासन दिया है। दरअसल कुडवार ब्लॉक के स्थानीय कस्बे का रहने वाला जुबैर अहमद पिछले करीब 1.5-2 साल से मुंह के कैंसर से पीड़ित है। लगातार इलाज के दौरान उसके पैसे खत्म हो गए। लोगों से इलाज के नाम पर उसने उधार भी लिया, लेकिन फिर पैसों की जरूरत पड़ी तो जुबैर ने स्थानीय इस्तौली विधायक ताहिर खान से पैड लिखवा कर मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए आवेदन किया। आवेदन जमा होने के बाद जब इसके कागजात लेखपाल रमेश के पास पहुंचे तो उसने 10,000 रुपये की डिमांड कर डाली। जुबैर ने मना किया तो बढ़ लेखपाल ने रिपोर्ट लगाने से इनकार कर दिया। पैसे की तंगी से जूझ रहे जुबैर ने किसी तरह 500 रुपये की व्यवस्था की और तब जाकर लेखपाल को दिया। इसके बाद लेखपाल ने रिपोर्ट लगाने का आश्वासन दिया है। वहीं इस बारे में SDM सदर से बात की गई तो उन्होंने इस घटना के बारे में कोई जानकारी न होने की बात कही। बहरहाल उन्होंने साफ कहा है कि इस तरीके का कोई मामला सामने आता है तो लेखपाल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा प्रकरण अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा कोई भी प्रकरण अगर संज्ञान में आता है तो उसकी जांच की जाएगी और कोई भी ऐसा उसमें लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्यवाही की जाएगी, चाहे जो कोई भी हो। घटना मुरादाबाद के तहसील ठाकुरद्वार की है, जहां बैंक में पैसे जमा करने आई महिला को गैस सिलेंडर से भरे ट्रक की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसको उपचार के लिए हायर सेंटर ले जाते हुए महिला रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आजकल वाहन को ड्राइवर इतनी तेजी गति से दौड़ाते हैं कि अगर अचानक कोई वहां सामने आए या फिर कोई मवेशी आ जाए तो उसको बचाने के लिए वाहन को ब्रेक लगाया जाए तो वाहन रुक नहीं सकता और चपेट में आकर व्यक्ति या कोई मवेशी की मौत हो जाती है। ऐसी ही घटना प्रकाश में आई है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नरहुआ निवासी प्रियंका के कमलपुरी चौराहे पर बैंक में पैसे जमा करने आई थी, तभी रोड क्रॉस कर रही थी। तेज गति से आ रहे गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक ने महिला को अपनी चपेट में ले लिया और महिला टायर के नीचे आ गई और गंभीर रूप से घायल हो गई, जिस पर ग्रामीण द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से घायल को नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ से चिकित्सकों द्वारा हालत नाजुक होने के कारण
उसे उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उपचार के लिए ले जाते समय महिला की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की सूचना पाकर परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है तथा ट्रक ड्राइवर भागने में सफल रहा। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित मंडल आयुक्त कार्यरत पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा भारतीय तेज बॉलर मोहम्मद शमी और उनके परिवार को अधिकारियों के द्वारा सम्मानित किया गया। मंडल आयुक्त के द्वारा अपने कार्यालय पर शमी और शमी के परिवार को बुलाया गया, जहां पर शमी के द्वारा वर्ल्ड कप में किए गए प्रदर्शन को लेकर सम्मानित किया गया। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन स्थित मंडल आयुक्त कार्यालय पर एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिस सम्मान समारोह में मंडल आयुक्त और DIG मुरादाबाद के साथ ही मुरादाबाद मंडल के कई अधिकारियों के द्वारा तेज बॉलर मोहम्मद शमी को सम्मानित किया गया है। मंडल आयुक्त मुरादाबाद के द्वारा कहा गया कि शमी युवाओं के लिए एक प्रेरणा है। शमी को देख बहुत से युवा आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। शमी के द्वारा खेले गए मैचों को लेकर अधिकारियों के द्वारा भी जमकर तारीफ की गई। आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे बता दीजिए। अगर इससे बड़ा सपोर्ट क्या चाहिए कि मैं आपके डिस्ट्रिक्ट में सारे ऑफिशियल्स के साथ बैठा हूँ, उन लोगों ने आपसे प्रॉमिस भी किया है कि हम खेल को इस स्तर पर ले जाना चाहते हैं जो देश के लिए काम आए, और सरकार का भी जहाँ तक आप लोगों ने सुना ही है जब से हम लोग वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं क्या क्या वो फैसिलिटीज करने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोगों को भी सपोर्ट चाहिए उस चीज़ में कि आप कितना सपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत जरूरी है कि हम कितना सपोर्ट करते हैं उस स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए। महाराजगंज में मलबे में दबे एक और मजदूर को रेस्क्यू करके निकाला गया है। आपको बता दें कि अभी तक 3 मजदूरों की मौत हो चुकी है, वहीं 5 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। अंतिम मजदूर को भी घंटों परिश्रम के बाद निकाला गया। वहीं मलबे में दबे कुल 8 मजदूरों को रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया गया है, जिसकी जांच नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में की जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि इस मजदूर की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि निर्माणाधीन मैरिज हॉल की छत गिरने से यह हादसा हो गया। वहीं सीएम योगी ने मामले का संज्ञान भी लिया था। मामला कोल्हुई थाना क्षेत्र के रुद्रपुर शिवनाथ का है। हमीरपुर में डॉक्टर की लापरवाही से मासूम की जान जाने का आरोप लगा है। परिजनों के मुताबिक जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर आशुतोष निरंजन द्वारा गलत इलाज करने से 7 साल के मासूम की जान चली गई। वहीं नाराज परिजनों ने स्टेट हाईवे जाम कर हंगामा काटा। परिजनों ने आरोपी डॉक्टर आशुतोष निरंजन पर FIR दर्ज कर सस्पेंड किए जाने की मांग की है। मौके पर SDM CMO मौजूद रहे। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के कलापी चौराहे का है। ये बच्चा अंश गुप्ता है, 7 साल का। ये कल भर्ती हुआ है, इसे तेज बुखार था, इसका इलाज हुआ है। रात में इसको डायरिया में हुआ है, ज़्यादा लूज मोशन हुई है। तो इनका कहना है कि डॉक्टर ने लापरवाही की है। इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच की जाएगी, इसके पोस्टमार्टम होगा और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। सर, किस डॉक्टर का नाम सामने आ रहा है, किस पर आरोप लग रहा है? डॉक्टर आशुतोष निरंजन है, वो भी बच्चों के डॉक्टर हैं। हमीरपुर में दिसंबर महीने के अंतिम दिनों में कोहरे ने कड़े तेवर दिखाए हैं, जहां घने कोहरे में वाहनों की रफ्तार को धीमा कर दिया है। वहीं तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। आपको बता दें कि आगे आने वाले दिनों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, साथ ही कोहरे के कारण दुर्घटनाओं में वृद्धि आने लगी है। शाम 7 बजते ही जनपद और आसपास के इलाकों में धुंध छा जाता है। खबर श्रावस्ती जनपद से है, जहां एक दिवसीय दौरे पर जिले के प्रभारी मंत्री, राज्य मंत्री नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार और गरीबी उन्मूलन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार, राकेश राठौर विकासखंड इकौना के सलवारिया पहुंचे, जहां प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में और विधायक रामफेरन पांडे की उपस्थिति में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कृषि विभाग द्वारा आयोजित जनपद स्तरीय तिलहन मेला कार्यक्रम और प्रधानमंत्री का वर्चुअल संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री के संबोधन को LED के माध्यम से देखा और सुना गया। किसी के साथ कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को तिलहन उत्पादन में अहम भूमिका निभाने वाले
पत्र देकर सम्मानित किया गया और कृषि विभाग द्वारा चल रही सरकार की योजनाओं के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। पंचायत सलरिया में विकसित भारत यात्रा जो चल रही है हमारी, लोगों को जागरूकता करना, जो हमारे प्रधानमंत्री आज लाइव दिखा रहे हैं, लाइव में चल रहे हैं, तो लोगों को समझाना। लोग अभी भी जैसे योजना बहुत चल रही है, लगभग 30-40-42 योजना चल रही है, तो लोगों जन तक जो अंतिम व्यक्ति अंतिम प्रावधान में है उनको सम्मान पहुँचाना। हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है, अधिकारीगण है और मंत्री और विधायक सब लोग लगे हुए हैं कि हमारी प्रधानमंत्री जो योजना है तो हमारा अंतिम लाइन अंतिम जो खड़ा उसको सम्मान मिले। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में प्लास्टिक पाइप के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग से ग्रामीण हर घर नल योजना के लाखों रुपए के पाइप जलकर खाक हो गए। आग लगने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में ग्रामीणों ने आग बुझाने की कोशिश शुरू की। इसी बीच लोगों ने दमकल को सूचना दी, जिसके बाद घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मामला भतखौर थाना क्षेत्र के पकड़ा गिरफ्तार गाँव का है, जहाँ राम उरेही कॉलेज के बगल में हर घर जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन डालने के लिए गोदाम बनाया गया है। सुबह घने कोहरे के बीच अचानक से गोदाम के पाइप धू-धू कर जलने लगे। देखते ही देखते प्लास्टिक के पाइप की लपटें आसमान छूने लगी। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। इस घटना में जान माल की हानि नहीं हुई है। 7:23 पर डलमऊ रोड पर राम उरेही बालिका इंटर कॉलेज में आग लगने की सूचना मिली। तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ भेजी गई, पहुँच देखा गया कि वहाँ जल निगम की पाइप प्लास्टिक की उसका भंडार किया गया था, उसमें आग लगी थी और जल रही थी भयंकर रूप से, और तत्काल फायर सर्विस की गाड़ियों ने उसको जो है फैलने से रोकते हुए तुरंत बुझा दिया। किसी तरह कोई समस्या नहीं। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में 20 वर्षीय युवती ने खुदकुशी कर ली। युवती का शव उसके घर पर मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं घटना के बाद से ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना दलमऊ कोतवाली क्षेत्र सिंदूरा मऊ गाँव का है। झांसी में सदर विधायक रवि शर्मा और झांसी महापौर बिहारी लाल संजीव अग्रवाल लाल द्वारा ड्रीमलैंड झांसी महोत्सव क्राफ्ट मेला मैदान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर दोनों ने मेले में घूमकर और झूलों का आनंद लिया। इस अवसर पर कमल सहगल, रविंद्र कपूर, प्रियंका साहू, सभासद प्रदीप खटीक, मनीष गुप्ता सहित सभी अतिथियों का मेला मैनेजर डॉक्टर राजेश कुमार आरडी ने आभार व्यक्त किया। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।